हेलो नमस्ते भाइयों और बहनों, सज्जनों, बच्चे और बच्चियों और समस्त मानपुर वासियों, मैं जितेंद्र कुमार अमेरिका से बोल रहा हूँ। वैसे तो मैं अमेरिका में हूँ, लेकिन दिल मेरा अभी भी हिंदुस्तान और ख़ासकर मानपुर में बसा हुआ है। वो लोग जो मुझे नहीं जानते हैं उनको पहले मैं अपना परिचय करा दूं। मैं जितेंद्र कुमार हूं। मैं आपकी तरह ही एक मानपुर वासी था और बचपन में पढ़ाई करके आईआईटी किया। उसके बाद मुझे मौका मिला अमेरिका आने का और मैं अमेरिका आ गया और तब से मैं यहीं रह रहा हूं। वैसे तो मैं अमेरिका में हूं, लेकिन मानपुर से मेरा संबंध कायम है। मैं अक्सर वहाँ आते जाते रहता हूँ, बच्चे से मिलता हूँ, अभिभावकों से मिलता हूँ, साथियों से मिलता हूँ और वहाँ क्या स्थिति है, क्या कठिनाइयाँ है, उससे अच्छी तरह वाकिफ हूँ। मानपुर पटवा टोली छोड़े मुझे 25-30 साल हो गए होंगे और ये जानकर मैं खुशी से फूले नहीं समा रहा हूँ कि मानपुर कहाँ से कहाँ पहुँच गया है। जब मैं छोड़ के आया था उस समय हालात ये थे कि पढ़ने लिखने वाले काफ़ी लोग कम मिलते थे और ये हालात बदलने का सारा श्रेय आज के छात्रगण लोग हैं, आज के युवा पीढ़ी हैं और आज के नौजवान लोग हैं। आई मस्ट से ए जॉब वेल डन। तो साथियों, मानपुर के विकास का सिलसिला आगे भी जारी रखना है और इसकी जिम्मेदारी आज के बच्चे, नौजवानों और अभिभावकों पर है। मुझे पूरा उम्मीद है कि आप लोग जो है इसको अगली ऊँचाई को छूने के लिए पूरी कोशिश करेंगे। मेरा ये संदेश आपको मानपुर को आगे बढ़ाने के लिए ही भेजा जा रहा है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी काफ़ी विकास कर रहा है मानपुर की तरह ही, और आज के ज़माने में हर लोगों के पास मोबाइल फ़ोन है। मोबाइल फ़ोन का उपयोग आप अपने फ़ायदे के लिए कर सकते हैं। ये आपको मदद कर सकता है, आपको पढ़ाई में मदद कर सकता है, ये आपको समाचार या दुनिया में क्या हो रहा है उसके लिए आपको मदद कर सकता है। आप उसमें स्पोर्ट्स भी देख सकते हैं। तो इसकी इसका उपयोग जो है आपकी जिम्मेदारी है और जब ये जिम्मेदारी आती है तो आपको इसको सोच समझ करके यूज करना है। जैसा कि आप सोच सकते हैं, छात्र लोगों का मेन फोकस जो है वो पढ़ाई में होता है, तो पढ़ाई के लिए आप इसका उपयोग कर सकते हैं। अभिभावकों का मेन जो है अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी के लिए मोबाइल फ़ोन यूज करते हैं, फ़ोन करने के लिए या पेमेंट देने के लिए या कुछ अगर ख़रीदारी करना हो तो आप उससे भी कर सकते हैं। तो इसके लिए हम सभी लोगों के पास एक जिम्मेदारी आती है और वो जिम्मेदारी है फ़ोन का हम उपयोग कैसे करें ताकि इसके साइड इफ़ेक्ट या बुरी आदतों से बचे रहें। तो सबसे पहले मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि छात्र लोग जब तक वो पढ़ाई कर रहे हैं, जब तक स्कूल में हैं, उन लोग का माइंड जो है उतना डेवलप नहीं होता है। तो उन लोग को ये मालूम नहीं होता है कि कितना यूज करना एनफ है और कितना यूज करने के बाद जो है वो ज़्यादा हो जाता है, जो पढ़ाई में या बाकी काम करना हो उसमें नुकसान कर सकता है। जैसा कि कहा जाता है कि अति सर्वत्र वर्जयेत, कोई भी चीज़ जो है आप उसका इस्तेमाल करें, उपयोग करें, वो सीमा में रह के। जैसे ही आप सीमा के बाहर जाएंगे तो आपको ये बाधाएं डाल सकती है, आपको ये परेशानियां डाल सकती हैं और काफ़ी नुकसान भी हो सकता है। तो सबसे पहले मेरा अनुरोध अभिभावकों से होगा कि अपने बच्चों को मोबाइल फ़ोन यूज करने के लिए सिखाएं और हाई स्कूल के पहले उन्हें मोबाइल फ़ोन ना दें। मोबाइल फ़ोन छात्र या बच्चों के हाथ में पड़ने पर बुरी आदतें लग सकती है। उसमें काफ़ी वीडियो गेम खेल सकते हैं, उसमें काफ़ी चैट सुविधाएं उपलब्ध होती है। उससे क्या होता है कि छात्र लोग काफ़ी इस्तेमाल करना शुरू करते हैं और उन लोग को पता नहीं चलता है कि टाइम कैसे निकल गया। छात्र लोगों के लिए टाइम की पाबंदी और टाइम का उपयोग करना सबसे महत्वपूर्ण काम होता है। तो ये मेरा अनुरोध होगा अभिभावकों से। अमेरिका में मैं जैसे देखता हूँ कि जब तक छात्र लोग हाई स्कूल में नहीं पहुँचते हैं तब तक अभिभावक लोग बच्चे लोगों को फ़ोन नहीं देते हैं, या फ़ोन देते हैं तो उसको निगरानी में यूज करने के लिए देते हैं। और यहाँ हाई स्कूल जो है वो 9th क्लास से शुरू होता है। दूसरा अनुरोध मेरा छात्र लोगों से होगा कि आप लोगों को ये एक खिलौने की तरह नज़र आता होगा, लेकिन खिलौना कभी कभी
बुरी आदतें भी डाल देता है। अगर आपको वीडियो गेम का लत लग गया तो उसको छुड़ाना बहुत मुश्किल होता है, और आपको फिर कैरियर से ज़्यादा वीडियो गेम पर ध्यान होगा। तो छात्र लोग, आप जब भी इस्तेमाल करना हो, आप अपने परिवार वालों या अपने माता पिता की निगरानी में इसका यूज करें, ताकि इसके गलत आदतों से आप बचे रहें। तीसरा अनुरोध मुझे अध्यापकों से होगा कि बच्चे लोगों को स्कूल के दरमियान मोबाइल फ़ोन यूज करने ना दे। जिन लोगों के पास मोबाइल फ़ोन हो उसे डिपॉजिट करा दे, ताकि खुद और दूसरे लोगों को डिस्टर्ब न करे। एक अनुशासन बनाना होता है और सभी छात्रों को अनुशासन का पालन करना होता है, ताकि कोई डिस्टर्ब ना हो और कोई बुरी आदत नहीं लगे। तो आप देख सकते हैं कि बच्चों के विकास के लिए हम सबका बराबर का योगदान है। उनमें अच्छी आदतें डालें, मोबाइल फ़ोन और वीडियो गेम के अत्यधिक इस्तेमाल से रोकें, और उनको पढ़ाई में ध्यान लगाने की कोशिश करें। काफ़ी सारी सुविधाएं मौजूद है, आप स्पोर्ट्स या खेल कूद में भाग ले सकते हैं। हमारी एक संस्था है वृक्ष, जो काफ़ी खेल कूद का आयोजन करती है। हमने सुना है टेबल टेनिस, साथ में शतरंज भी आप खेल सकते हैं। इसके अलावा सॉकर, क्रिकेट, जो कोई भी खेल आप खेलें जिससे पसीना निकलता हो, उससे आपको काफ़ी फायदा होगा। बच्चों के ऑलराउंड डेवलपमेंट के लिए पढ़ाई के साथ साथ खेलकूद और साथ में कुछ आर्ट्स का भी काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान होता है। आर्ट्स का मतलब कला, जैसे कि म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट, वायलिन, गिटार, पियानो, या पेंटिंग, या आप गायन का अभ्यास कर सकते हैं, जैसे गाना गाना हुआ। एक बच्चे में क्या प्रतिभा छिपी हुई है, इसका ज्ञान कोशिश करने के बाद ही पता चलता है। और इसके लिए आप जो है मोबाइल का भी उपयोग कर सकते हैं। मोबाइल वीडियोज में काफ़ी लर्निंग वीडियो होते हैं, जिससे आप म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट प्रैक्टिस कर सकते हैं, गाना गाने का अभ्यास कर सकते हैं, या पेंटिंग भी आप ड्रॉ कर सकते हैं। तो आप मोबाइल को उपयोग करें उसको अपने आप को मदद करने के लिए। तो इसमें मेरा ब्रिज संस्था से अनुरोध होगा कि वो स्पोर्ट्स के साथ साथ आर्ट्स प्रोग्राम का भी आयोजन किया करें। आर्ट्स प्रोग्राम जैसे म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट हो गया, सिंगिंग कंपटीशन, ड्राइंग कंपटीशन, इससे जो है बच्चे लोगों का ऑलराउंड डेवलपमेंट होता है। इसके साथ साथ शतरंज का भी कुछ प्रोग्राम आयोजन किया करें। मैं बचपन में शतरंज खेला करता था, और उससे मुझे लगा कि ऑलराउंड डेवलपमेंट के लिए ये काफ़ी बहनों और जरूरी है। भाइयों, ये वीडियो संदेश मोबाइल फ़ोन और वीडियो गेम्स के बुरे प्रभाव से बचने के लिए बनाया गया है। मैं ब्रिज संस्था का आभारी हूँ जो मुझे 2 मिनट बोलने का मौका दिया है। मुझे आशा ही नहीं, पूरा विश्वास है कि मानपुर पटवा टोली के स्वर्णिम अध्याय जोड़ने में आप लोग मदद करेंगे, और आज का सफर जो है वो आपको अपने गंतव्य स्थान तक ले जाएगा। अंत में, मेरी हिंदी उतनी मजबूत नहीं है, कृपया इसे सुधार के सुने। नमस्कार, जय हिंद।